कहने को तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, लेकिन असल में इनका दिल पूरी तरह से चीन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लिए धड़कता है। केपी ओली ने भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाली नक्शे में दिखाकर अपने भारत विरोधी एजेंडे की शुरुआत की थी, और यहाँ तक कि भगवान राम की नगरी अयोध्या को भी उन्होंने नेपाल के अंदर बता दिया है। आए दिन उनके भारत विरोधी बयानों से वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुद को एक लीडर के तौर पर देख रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से उनके संबंध जग जाहिर हैं। केपी ओली चाइनीज दोस्ती के लिए हजारों सालों के भारत नेपाल संबंधों को तोड़कर भारत से दुश्मनी लेने को भी तैयार है। तो आइए जानते हैं नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली के बारे में, कमिंग अप नेक्स्ट। इनका पूरा नाम है खड़क प्रसाद शर्मा ओली। 22 फरवरी 1952 को नेपाल के किसान परिवार में ये पैदा हुए। 4 साल के थे जब इनकी माँ का बीमारी से निधन हो गया। केपी ओली केवल 10वीं क्लास तक ही पढ़े लिखे हैं। ओली ने इसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। 18 साल की उम्र में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से जुड़ गए, और जुड़ते ही मारकाट और हिंसा के मामलों में इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। 22 साल की उम्र में एक बार फिर इन्हें एक किसान धर्म प्रसाद धाकल की हत्या के जुर्म में 1973 से 1987 यानी 14 साल तक जेल की चक्की पीसनी पड़ी थी। जाहिर है इस बारे में केपी शर्मा ओली ज्यादा बात नहीं करते हैं। नेपाली शाही दया याचिका की मंजूरी के बाद 1987 में इन्हें रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल लुम्बिनी जोन का इंचार्ज बना दिया गया। 1991 में पहली बार केपी ओली चुनकर नेपाली संसद में गए। नेपाली राजशाही हटाने के लिए नेपाल में छिड़े गृह युद्ध में हो रही हिंसा का विरोध करने के कारण केपी ओली बार बार चुनाव जीतते रहे। 2015 में वो पहली बार 13 अलग अलग पार्टियों की मदद से गठबंधन सरकार में नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन अगले ही साल 2016 में गठबंधन टूट जाने के कारण उनकी सरकार गिर गई। नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार ही बनी रहे ये निश्चित करने के लिए 2017 के चुनाव में चीन ने चालाकी दिखाते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री पद के दो सबसे प्रमुख दावेदारों प्रचंड और केपी ओली को लालच देकर एक साथ चुनाव लड़ने को कहा, जिसके कारण चुनाव के नतीजे भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पक्ष में रहे, और तब से केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो केपी ओली की शादी राधिका शाक्य से हुई है, जो इनकी फेलो कम्युनिस्ट नेता थी। दोस्तों, चीन ये बखूबी जानता है कि गरीब देशों के भ्रष्ट नेताओं को कैसे खरीद लिया जा सकता है और पैसों का लालच देकर उन्हें कैसे अपना गुलाम बना लिया जाता है। चीन की इसी चालाकी से चीन के कई पड़ोसी देश चीन के गुलाम बन चुके हैं और इसके गंभीर नतीजे भुगत रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।